हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में है। प्रीवियस वीडियो में हम डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। हाँ देखो बेटा, इसमें मैं कुछ सम्स लूंगी इसके। एक तो मैं आपके लूंगी ओड एंड इवन फंक्शन के, एक मैं आपको सम लूंगी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे अगर नीचे वाला फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक हो। जैसे मुझे बोला गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बार बार मैंने आपको समझाया डोमेन का मीनिंग है आप एक्स की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो और कौन सी नहीं पुट कर सकते। जैसे मुझे इस फंक्शन के डोमेन निकालनी है, ठीक है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फैक्टर कैसे बनाते हैं ये आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने के मुझे ऊपर 4 मिलना चाहिए और एड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 5 मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसे हैं जो दो फैक्टर ढूंढने हैं। ऐसा कौन सा है? ऐसा है 4 और 1, ठीक है, माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4, एक्स ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस 4, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 है एंड एक्स माइनस 4। ये दो फैक्टर मेरे इसके निकल गए, यानी कि एक तो आप एक्स की वैल्यू 1 में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 डाला, देखो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, अगर मैंने 1 डाला तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 5 माइनस के 4 प्लस के 4 और ये बन जाएगा 0। नीचे 0 कभी बननी नहीं चाहिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि अगर नीचे 0 बनती है, मान लो ऊपर कुछ भी हो, 2 हो 5 हो कोई फंक्शन हो, लेकिन अगर नीचे 0 बनी तो मैथ का इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी का मीनिंग है बहुत बड़ी वैल्यू जो आप कभी फाइंड कर ही नहीं सकते, समझ में एक बात, ठीक है बेटा। अब देखो इस तरीके से इसकी डोमेन जो है इसमें एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हो, पूरे के पूरे रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप 1 और 4 पुट नहीं कर सकते। जो चीज़ आप पुट नहीं कर सकते उसको रियल नंबर से हटा दो, उसको बाहर निकाल दो कि आप ये बिल्कुल नहीं, हम पुट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। आगे है मेरा सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। मुझे बोला गया है आपको मुझे फंक्शंस दिए गए हैं और मुझे उनमें से ओड और इवन फंक्शन अलग करने को बोला गया है कि इवन फंक्शन कौन सा है और ओड फंक्शन कौन सा है। मान लो आपको एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन ओड होगा, लेकिन कब होगा? जब उसमें माइनस पुट करें और माइनस का इफेक्ट पड़े तो उसको बोलते हैं ओड फंक्शन। जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स ये बनेगा। और एक फंक्शन इवन फंक्शन होगा, अगर हम उसमें माइनस पुट करें, ये माइनस है, ठीक है, और उसके ऊपर माइनस का कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एफ ऑफ एक्स ही आना चाहिए, तो वो फंक्शन आपका इवन हो गया, ओड फंक्शन हो गया। अगर आप बीच में माइनस पुट करो और माइनस का इफेक्ट पड़े, इवन फंक्शन हो गया अगर आप माइनस पुट करो लेकिन माइनस का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। जैसे इसके मैं कुछ क्वेश्चन उठा रही हूँ, मुझे ये क्वेश्चन दिए गए हैं टेन एक्स प्लस 3 कोसेकेंट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगी। जैसे मुझे फंक्शन दिया गया है टेन एक्स प्लस 3 कोसेकेंट एक्स प्लस एक्स, ठीक है, तो मुझे इसको ओड या इवन साबित करना है। इसके लिए मुझे एक्स को माइनस एक्स में कन्वर्ट करना होगा। एक्स को किस में कन्वर्ट करना होगा? माइनस एक्स में। तो ये रहा टेन, ये एक्स है, इसको मैंने माइनस के एक्स में कन्वर्ट कर दिया। 3 कोसेकेंट यहाँ पे एक्स है, माइनस के एक्स में कन्वर्ट कर दिया और इसको माइनस के एक्स में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है टेन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, ये आपने ध्यान देना है। अगर एंगल के बीच माइनस लग जाता है तो उसके आगे माइनस आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। वैसे यहाँ पे माइनस है, ये बाहर निकल के आ जाएगा 3 कोसेकेंट एक्स माइनस एक्स। अब मैंने तीनों में से माइनस कॉमन निकाल देना है, माइनस ऑफ टेन थीटा प्लस 3 कोसेकेंट एक्स प्लस एक्स। अब ये नोट करो, ये आपका यही नहीं बन गया सेम, ये देखो, ठीक है, तो ये आपका बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करा, माइनस बाहर निकल के आ गया, यानी कि माइनस का इफेक्ट पड़ा है, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये आपका ओड फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? ये आपका ओड फंक्शन हो गया जिसके ऊपर नेगेटिव का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब वैसे ही मैं आपका सेकेंड क्वेश्चन उठा रही हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या
आपका. सेकंड है आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस वन. ये है, इसमें भी मैंने सेम वर्क करना है, मैंने एक्स को माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है. और आपको पता है माइनस एक्स का मोड एक्स ही होता है, तो ये वापस क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया. यानी कि मैंने माइनस पुट करा, माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ा. तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, ये मेरा इवन फंक्शन हो गया. समझ में आई बेटा बात आपको? इस तरीके से ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया. अब देखो बेटा थर्ड भी, ये बड़े बेसिक से कंसेप्ट है, ये आपको आते होने चाहिए. थर्ड है बेटा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू है. ठीक है, अब देखो वैसे तो अगर मोड के साथ कुछ आ रहा है तो वो इवन और ओड दोनों नहीं होता, लेकिन मैं आपको साबित करके बता देती हूँ. एक्स को माइनस एक्स में कन्वर्ट करो, माइनस एक्स में कन्वर्ट करा तो यहाँ से मेरा माइनस कॉमन निकल गया, ये एक्स प्लस टू बना और ये आपका एक्स प्लस टू आ गया. देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एफ ऑफ एक्स कुछ और है और एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ और है. ठीक है, यानी कि ना तो मेरा ओड वाला रिजल्ट बन रहा है ना ही मेरा इवन वाला रिजल्ट बन रहा है, ये तो कुछ और ही बन गया. तो इस तरह के हम फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर ओर नोड इवन, यानी कि ना तो ये फंक्शन ओड है ना ही फंक्शन इवन है. तो इस वीडियो में बेटा आपका चैप्टर नंबर सेकंड हो चुका है डन. नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करोगे. थैंक यू बच्चे.